हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज देवेंद्र सिंह। जैसे कि आपको मालूम है, लास्ट टर्म पर मैंने आपको आयनिक बॉन्ड और या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। आज मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज द कोवलेंट बॉन्ड? दिस कोवलेंट बॉन्ड आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर्स बोर्ड एंड आईआईटी एंड नीट ऑल्सो सबके लिए कंपलसरी है। तो व्हाट इज द कोवलेंट बॉन्ड? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जैसे कि मैंने लिखा है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट अमोंग शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर अमोंग कंबाइनिंग एटम्स। ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट किए जाते हैं कंबाइनिंग एटम के द्वारा, शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके कंप्लीट किए जाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ए कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म, कोई कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अमोंग द कंबाइनिंग एटम्स। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड को जो बनाया जाता है वो बराबर की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी करके एटम्स के बीच में फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्लियर लिखी है, कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अमोंग द कंबाइनिंग एटम्स। ये आपको मालूम हो गया होगा व्हाट इज द कोवलेंट बॉन्ड। कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? मॉलिक्यूल्स इन विच द एटम्स आर लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द कोवलेंट कंपाउंड्स। जो मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्ड्स द्वारा लिंक होते हैं उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आपका HCl है, Cl का 1 इलेक्ट्रॉन, H का 1 इलेक्ट्रॉन, तो H का 1 इलेक्ट्रॉन Cl को चला जाएगा, Cl का 1 इलेक्ट्रॉन H को चला जाएगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा दिस इज द कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। इसके एग्जांपल मैं आप बाद में बताऊंगा। ईच कंबाइनिंग एटम्स मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जितने जो हरेक कंबाइनिंग एटम्स जो होता है वो मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका एक पार्ट मैंने लिखा है, व्हेन ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, व्हेन ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। एक जो एटम है वो कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन। दस इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाई देम, आर शेयर्ड बाई देम। नंबर बी पार्ट में है, व्हेन ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कभी नहीं होता योगदान 2 इलेक्ट्रॉन्स, दस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मीनिंग होता 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बाय द कंबाइनिंग एटम्स। यानी कि जो कंबाइनिंग एटम्स है वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। सी पार्ट में लिखा, सिमिलरली इन ए ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी प्रकार जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, सिमिलरली इन ए ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बाय द कंबाइनिंग एटम्स। ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल लाइन। सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बारे में आपको हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर इंडियन हिंदी में पढ़ते हैं और फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं, तो इंग्लिश में मैं बता चुका हूं, हिंदी में बता रहा हूं आपको। हिंदी में लिखा हुआ है, सह संयोजक बल तत्वों के परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन युग्मों में साझेदारी करते हैं। इस प्रकार परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सह संयोजक बंध कहते हैं। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स
अमोंग द कंबाइनिंग एटम्स। जिन यौगिकों के अणुओं में परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में बताया, संयोग करने वाले परमाणु बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देकर साझा करते हैं। जब संयोग करने वाले परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एकल बंध सिंगल बॉन्ड बनता है। जब संयोग करने वाले परमाणु के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्म चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डबल बॉन्ड द्वि बंध बनता है। जब संयोग करने वाले परमाणु के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि छह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। दो परमाणु के मध्य अधिकतम तीन सहसंयोजक बंध हो सकते हैं। इस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सहसंयोजक बंध बनाने पर परमाणु के मध्य परमाणु में एकल बंध में को एक सिंगल लाइन, द्विबंध को दो रेखाएं से डबल लाइन और त्रिबंध को तीन रेखाएं ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको कोवलेंट बॉन्ड में अब मैंने बताया है। कोवलेंट बॉन्ड में इंग्लिश में भी आपको बता दिया है, हिंदी में भी आपको बता दिया। कोवलेंट बॉन्ड में आगे मैं बता रहा हूं आपको, टू एटम्स कैन फॉर्म एट द मैक्सिमम थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स। दो एटम तीन कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं बिटवीन देम सेल्फ। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द कंबाइनिंग एटम। तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है कंबाइनिंग एटम्स की, जो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी, यस ए सिंगल बॉन्ड सी शो किया है, देखिए तो इसमें ए का क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, बी का इस पे वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हुआ है, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ए डबल बॉन्ड बी, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो ए के टू इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले हैं, बी के टू इलेक्ट्रॉन स्पेयर वाले हैं, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर। दो इलेक्ट्रॉनों को वन इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए ट्रिपल बॉन्ड बी शेयरिंग ऑफ द थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हुआ है, इसका एग्जांपल मैं अभी लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ए बी ये क्रॉस वाले ए के हैं, डॉट वाले, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए आपके, वन टू एंड थ्री। दस द कोवेलेंसी मे बी डिफाइंड एज जेंडर। तो कोवेलेंसी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट आपको बता रहा हूं। कोवेलेंसी ऑफ एन एटम, कोवेलेंसी क्या है इसी एटम की, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं एटम्स के बीच में फॉर्म विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, इस एक कोवेलेंसी को बताएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कोवेलेंसी। सिंस ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से होता है। कोवेलेंसी ऑफ एन एटम मे बी डिफाइंड एज अंडर, इसकी सेकंड ऑप्शन है वो मैंने नोट की है, नोट कर, कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं शेयर्ड विद द कंबाइनिंग एटम्स। कंबाइनिंग एटम्स के बीच में कितने शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इससे सो हो जाएगा व्हाट इज द कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी की आपको दो डेफिनेशन बताई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूं, कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड विद अदर एटम्स। सिंस ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कोवेलेंसी ऑफ एन एटम मे आल्सो बी डिफाइंड एज अंडर, कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर विद द कंबाइनिंग एटम। ये कोवेलेंसी की डेफिनेशन आपको बता दी गई है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। नाउ हिंदी में भी मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि इंडियन स्टूडेंट कुछ स्टेट के हिंदी में लाइक करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, हिंदी में भी आप समझ लें। ए सिंगल बॉन्ड बी ये एकल बंध है, ए का क्रॉस से और बी का डॉट से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। ए डबल बॉन्ड बी
ये डबल बॉन्ड है, द्विबंध इसको बोलते हैं। ए और बी के बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ है। ए के दो क्रॉस से इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं, बी के दो डॉट से इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ए के तीन क्रॉस से और बी के तीन डॉट से इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। दो इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ है। इस प्रकार सहसंयोजकता कोवेलेंसी की परिभाषा निम्न प्रकार से आप कर सकते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ बनाए गए सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या उस तत्व की उप सहसंयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ बनाए गए सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। क्योंकि एक सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होता है, इसलिए सहसंयोजक बंध कोवेलेंसी की परिभाषा निम्न प्रकार से भी की जा सकती है। किसी तत्व की एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों इलेक्ट्रॉन पेयर की कुल संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। अब इसके एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूं। एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, स्पीकिंग देवेंद्र सिंह। एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोस्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में भी वन इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल बॉन्ड H, H2 मॉलिक्यूल्स बन जाता है। नंबर सेकेंड, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 है आपका, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस सेल भी बोलते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कक्ष भी बोलते हैं इसको, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली फ्लोरीन F2 ब्रोमीन एंड I2 फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर थर्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2, O के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में है, सेकंड ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएंगे, O डबल बॉन्ड O, O2 मॉलिक्यूल्स। नंबर फोर्थ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, N2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बारे में मैं और थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं, इसमें एवरी स्टूडेंट सुने कि सभी बच्चे इसको बनाना नहीं जानते हैं, तो ध्यान से सुने। हाइड्रोजन आइटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ईच हाइड्रोजन आइटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाई बोथ द एटम्स, बोथ द हाइड्रोजन एटम्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। नंबर सेकेंड, जो क्लोरीन का एग्जाम्पल बताया गया है, देयर आर द 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द क्लोरीन एटम, ईच क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय द बोथ द एटम्स, बोथ द क्लोरीन एटम्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड हैव स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन, आर्गन जैसा इनर्ट गैस की आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी कि 2 8 8। नाउ सिमिलरली फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाती है। नंबर थर्ड एग्जाम्पल ऑक्सीजन का दिया है, ऑक्सीजन आइटम है 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6 होगा, 17 = 287, 8 = 26, नाइट्रोजन 7 = 2 and 5। तो इसके बारे में बता रहा था, क्लोरीन के बारे में, दे आर द 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द क्लोरीन एटम्स, ईच क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द बोथ द एटम्स, बोथ द क्लोरीन एटम्स नाउ हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट
एंड हैव स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन. सिमिलरली फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. नंबर थर्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन आइटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ईच ऑक्सीजन आइटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड बाय द ईच ऑक्सीजन आइटम. ईच ऑक्सीजन आइटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड हैव स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन. यानी कि ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं. क्लोरीन ने आर्गन जैसा किया था. नाइट्रोजन एटम्स कंट्रीब्यूट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ईच नाइट्रोजन आइटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बाय द ईच नाइट्रोजन आइटम. ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम. इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ईच नाइट्रोजन आइटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड हैज इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन. और नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये ऑब्टेन कर लेते हैं. ये एग्जांपल्स मैंने इसके बारे में बताए हैं आपको. अदर्स एग्जांपल्स भी आपको बता रहा हूं. सुन लें, हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है. दो हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देकर साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं. इस इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके दोनों परमाणु अपने बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं. इस प्रकार दोनों हाइड्रोजन परमाणु हीलियम जैसी स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं. नंबर दूसरा है क्लोरीन का. क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दो क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देकर साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेते हैं. दोनों क्लोरीन परमाणु बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अक्रियशील गैस आर्गन के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन इसी प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं. O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन देकर साझे के दो इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेता है. दोनों ऑक्सीजन परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके एक्रियशील गैस नियॉन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लेते हैं. नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन देकर साझे के 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेता है. 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब मीनिंग होता है 6 इलेक्ट्रॉन. दोनों नाइट्रोजन परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके एक्रियशील गैस नियॉन का स्थायी विन्यास धारण कर लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड. एग्जाम्पल 5 कार्बन टेट्राक्लोराइड. सी सिंगल बॉन्ड सी एल. कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस प्रकार कार्बन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे. 6 एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म दिया गया है. इसमें एस सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी एल, सी सिंगल बॉन्ड सी एल, सी सिंगल बॉन्ड सी एल. इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा. क्लोरीन भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लेगा. कार्बन सेकंड सीएल को भी ऑक्टेट पूरा कर देगा इलेक्ट्रॉन देके, और तीसरे सीएल का भी ऑक्टेट पूरा कर देगा क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है. 7 एग्जाम्पल में एस सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन हाइड्रोजन साइनाइड. एस सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन में आपको दिखाया गया है एच और सी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और सी और एन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 5 एटॉमिक नंबर 7 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन. तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन को चले जाएंगे और कार्बन अपने ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा. म्यूचुअल शेयरिंग होगी इसमें भी. नंबर 8 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच. एच और ओ के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. ओ एंड ओ के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग.
ओ एंड एच के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इस टाइप हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। नंबर 9 मीथेन CH4 एस सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सी सिंगल बॉन्ड एच सी सिंगल बॉन्ड एच सी एच के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सी एच के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सी एच के बीच में भी, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन दूसरे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड को भी 1 और फोर्थ को भी 1, और इसे म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लेगा। हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जैसे कि हीलर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।